नमस्कार, उषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खोया पनीर। खोया पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है और ये 100 ग्राम खोया और ये 6 से 7 लहसुन की कलियां, प्याज, ये अदरक के टुकड़े 1 से 2 1 इंच, 3 से 4 हरी मिर्च। और मसालों में हमने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च। और तड़का लगाने के लिए हमने लिया है ये तेज पत्ता, काली मिर्च, ये लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, जीरा। और धनिया पत्ती, ये हमने थोड़ा सा पनीर का पानी रख लिया है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी यूज करेंगे। और टमाटर को हम यहाँ बॉईल कर रहे हैं तो इनको हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है, तो ये हमने पहले 5 मिनट पहले रख दिया है, तो ये हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। टमाटरों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको हमने इसलिए बॉईल किया है इनकी स्किन जो है अच्छी तरह से उतर जाए। और इसी पानी में हम बाकी की सब्जियां बॉईल कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च, अदरक, ये सब भी इसी में डाल के थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कर लेंगे। बॉईल करने के बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो इस जब तक बाकी की सब्जियां हमारी बॉईल हो रही हैं तब तक हम ये टमाटर से जो है छिलका निकाल देंगे। इसको फॉर्क की मदद से आराम से, अभी गर्म है तो इसको ऐसे हम निकाल के तैयार कर लेंगे। ये गर्म है ना, यहाँ से भी आराम से छिलका बॉईल करने के बाद में निकल जाता है। ये हमने सारे टमाटर के छिलके निकाल दिए हैं, इनको साइड में कर देंगे और टमाटर को फोड़ देंगे। इससे टमाटर हमारे ठंडे हो जाए छिलके को साइड में करके। तो टमाटर को हमने फोड़ दिया है, अब सब्जियों को चेक कर लेते हैं कि सब्जियां हमारी पक गई होंगी। इन्हें हमें बस 2 मिनट ही कुक करना है। तो सब्जी हमारी पक गई हैं, इनको हम सब्जियों को निकाल के ठंडा कर लेंगे और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसको हम ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। तो सब्जियां हम इधर निकाल के रख देते हैं। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में इसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। इसको हम कोई भी ऑयल में बना सकते हैं, तो हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे धुआं उठने तक और उसके बाद में फिर तेल को हम लो फ्लेम करके ठंडा कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये प्याज, अदरक और हरी मिर्च जो है हमारी हल्की सी ठंडी हो गई, इसको हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। पीसने के बाद में इसमें टमाटर को भी ऐड कर देंगे जिससे इसकी स्मूथ ग्रेवी बन जाए। टमाटर, प्याज, अदरक की ग्रेवी बन के पूरी तैयार है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में हम ये पहले डालेंगे तेज पत्ता। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। उसके बाद में डालेंगे दालचीनी,
एक इलायची, ये दो हम सफ़ेद इलायची यूज करेंगे। इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फोड़ देंगे। और ये 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, और ये जीरा 1 चम्मच, छोटा चम्मच जीरा। अब मसालों को हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। पहले इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे हल्दी का कच्चापन, तेल में डालने से यह है कच्चापन निकल जाए। हल्दी का हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, आधी चम्मच से भी कम। और इसी में ये हम जो पेस्ट बनाया है, इसमें हमने लहसुन की कलियां भी 6-7 ग्राइंड कर ली है, तो इसको हम डाल देंगे। और हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और ये जो हमारा प्याज लहसुन वाला पानी है, इसी से हम ग्राइंडर के मसाले जो है थोड़े से इसी में निकाल लेंगे, और निकाल के अच्छे से डाल देंगे। और ये टमाटर डालने के बाद में हम पहले नमक डालेंगे, तो नमक स्वाद के अनुसार डालें। हम भी 1 चम्मच नमक यूज किया है। इसे चला देंगे। अब हम इसको पकाएंगे, 5 मिनट तक पकाएंगे ग्रेवी को ढक के। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ग्रेवी को 2 मिनट बाद में खोल के चेक कर लेंगे। ग्रेवी हमारी गाढ़ी होने लगी है, इसको हम एक बार चला के 2 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, फिर से हम ग्रेवी को एक बार चला देंगे। तो ये ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसी में हम मसाले डाल देंगे, जिसके ग्रेवी के साथ में मसाले भी हमारे पक जाएं। तो मसालों में हम ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और ये लाल मिर्च डालेंगे, और ये जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब सारे मसालों को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। इसको ढक के 1 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे मसाले भी पक जाए ग्रेवी के साथ में। 1 मिनट बाद खोल के हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे मसाले पक गए। किनारे से तेल जो है मसाले छोड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तेल इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि हम हेल्दी ऑप्शन में बना रहे हैं, तो हमने तेल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि खोए में भी घी होता है। तो अब इसमें हम ये 100 ग्राम खोया जो है, ये घर का बना हुआ खोया है तो इसलिए भुना हुआ ब्राउन है, अगर मार्केट का हो तो इसी प्रकार से भून लीजिए। तो इसको हम मसल मसल के मसालों में मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, और खोया को हम मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। अब इसको हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक खोए को पकाना है।
अब इसको ढकते हैं, 5 मिनट तक पकाएंगे, 2-2 मिनट के बाद में इसको खोल के चेक करते रहेंगे। पाँच मिनट बाद हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने 2-2 मिनट में चलाते हुए पकाया है। अब ये खोया हमारा बिल्कुल ये घी छोड़ने लगा है, इसीलिए हमने तेल का कम यूज किया था। ये किनारे से सब खोए की वजह से घी छोड़ने लगा है। तो अब हमारा ये खोया बिल्कुल पक गया है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो इसमें हम अब थोड़ा सा दूध का यूज करेंगे। तो ये हम 1 कप के हिसाब से दूध यूज कर रहे हैं ग्रेवी में, इससे ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी और बनेगी। और ये थोड़ा सा पनीर का पानी जो हमने रखा था इसको भी यूज करेंगे ग्रेवी में। अब ग्रेवी को हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी हम अपने हिसाब से रखेंगे, हम थोड़ा सा पतली ग्रेवी रख रहे हैं। अब इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए, हम इसको खोल के ग्रेवी को चेक कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी बनी हुई है। इसमें हम अब पनीर डाल देंगे, ये जो है हमारा, तो पनीर के क्यूब डाल देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और एक बार चला देंगे अच्छे से। और इसमें एक कसूरी मेथी जो है हम 1 चम्मच मसल के डाल देंगे। कसूरी मेथी से जो है पनीर का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको हम डाल के मिक्स कर देंगे। बस अब स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम खोल के चेक कर लेंगे। तो ये हमारा पनीर बिल्कुल बन के रेडी है, खोया पनीर। ये देखा बहुत आसान तरीके से घर पे तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये रखने के बाद में और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ी सी ग्रेवी पतली रखी। और इसको धनिया पत्ती से, फ्रेश धनिया से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा खोया पनीर बनके तैयार है। अगर हमारा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।